वाइपर नजर आने वाले हैं। और देखिए स्प्रे जा रहा है टीएसएम के प्लेयर्स को, ओपन में कैच कर लिया रेगल टॉस विद M249। बात वही आ जाती है कि भाई भाई सैनक में मीरा सैनक में स्नाइपर मजाक कर रहे हो क्या? एंड एक्चुअली यहां पर कोई स्नाइपर यहां पर चलाएगा तो उनका खाली है या नहीं, और फिर अपनी एंट्री ले। एंड आल्सो टाइम फॉर दैट टिपिकल स्काउट दैट विंटेज स्काउट ऑलरेडी यहां पर टीएसएम एफटीएस को काफी ज्यादा नुकसान ये कर चुके, बट दैट रनिंग व्हीकल स्प्रे वाज सो वेरी गुड। बागी से प्लेयर्स को उतारना कोई स्काउट से सीखे एंड क्लच करना भी यस इट इज 1v3 अगेंस्ट टीएसएम एफटीएस। स्काउट ऑफ इन द चैट मोवी यहां पर अभी के लिए यू नो नॉकआउट है, बट आई बिलीव कि उन्हें रिवाइवल इजीली मिल जाएगा बिकॉज़ वो अपने वीरू के बहुत ज्यादा करीब है। जय वीरू वो जोड़ी काफी इजीली रिवाइवल मिल सकता है। ये लीजिए पहले नॉक निकाला है उसके बाद रिवाइवल दे रहा है, रिवाइवल देते ग्रेनेड आएगा, टीम ऑरेंज रॉक की टीम बैकफुट पे जाएगी, बट इवेंचुअली दोनों ही टीम्स को जोन के अंदर जाना, जोन को आउटरन करना इतना आसान नहीं भी होने वाला, साथ-साथ कर रहे हैं ये एक अच्छी चीज है, बट उसके चलते काफी ज्यादा अच्छे तरीके से तैनात रेगल टॉस एफएनएल के रेड को डाउन कर देते, बट यू नो आदित्य क्यूबी सी के साथ मवी और स्काउट दोनों को परेशान कर रहे हैं। लुक एट दैट, इज इट फॉर रियल एज वेल, वहां पर ग्रोजा और M249 चला रहे हैं दैट मिड रेंज विद अ बिगर साइड, और एक बार फिर से टीम सोल थोड़ी सी वही गलती रिपीट करती थी जहां पर एंट्री में थोड़ा सा लेट, ऑरेंज रॉक की टीम इज आल्सो स्ट्रगलिंग, बट आई बिलीव वाइपर गेट दिस एनिग्मा सवितार व्हाई हैव यू डन दैट बिकॉज दैट ग्रेनेड्स आर कनेक्टिंग सो वेरी गुड, टीम ऑरेंज रॉक इज एक्चुअली एलिमिनेटेड।